This movie is encoded by Dr. Star. जरा मेरी बात सुनोगी? मैं सब सुन चुकी हूँ क्विंट, पर डोना ने मुझे सब बता दिया था, जो तुम कह रहे हो और जो कहने वाले हो। क्या हुआ? किसी ने मुझे छुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अभी आया। मैंने जो भी कहा तुमने कुछ भी नहीं सुना है ना? कैसे समझाऊं, वो लड़की मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ हाँ रहने दो, तुम मुझ पर थोड़ा तो यकीन करो। कोशिश करती हूँ। रास्ता तंग है पर मैं जा रही हूँ। वहाँ तुम्हें मरो। हे, मैंने सुन लिया। तो वहाँ अमोनिया की मात्रा क्या है डॉक्टर? 0.098। जो ढूंढने आई थी वो मिल गया। सब मीडियम साइज के चमगादड़ हैं। एंट्रोजोस फिस जाति के हैं। मैं और अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। अगर उस गुफा में दम घुटने लगे तो अपने आप वापस आ जाना, क्योंकि मैं उस बंद गुफा में घुसकर तुम्हें वापस नहीं लाने वाला, समझी? अच्छा, तुम तो गुफा में रिमोट कैमरा भेजने वाली थी ना? जिमी, तुम जानते हो मुझे खुद काम करके ही तसल्ली हुई है। तो मेरा एक काम करोगे? क्या है? आइंदा मुझे मीठा खाने से रोकना। तुम गलत आदमी से कह रही हो, वैसे तुम थोड़ी मोटी हो जाओ तो और भी खूबसूरत लगोगी। मैं झुंड के बहुत करीब हूँ, ज्यादातर मादा और बच्चे हैं। जिमी, अब शायद हमारा संपर्क टूट जाए। शीला, तुम ऐसा मत कहो, मुझे डर लगता है। मैंने मोबाइल पर पुलिस का नंबर जोड़ रखा है, जरूरत पड़ने पर हमें काम आ सकता है। जिमी, अगर तुम्हें चमगादड़ और गुफाओं से इतनी नफरत है तो मेरे साथ ये काम क्यों करने आते हो? पहली बात ये है कि तुम्हारे साथ काम करना मुझे पसंद है, और दूसरी, चमगादड़ जंगल में देखने को अच्छे लगते हैं लेकिन दूर से, करीब से देखने में घिन आती है मुझे, और इसीलिए तुम नीचे काम कर रही हो और मैं ऊपर। अरे, ये आवाज कैसी? जिमी, जिमी, क्या हुआ जिमी? क्या
ये मशीन में तो धूल ही धूल है। अरे कौन है आप लोग? ये हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों खड़ा किया है? मैं डॉक्टर टोबी हॉज हूँ, सीडीसी अटलांटा से आया हूँ। रोग नियंत्रण वाली संस्था? हम दोनों को तो कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर कैस्पर, हमें आपकी मदद चाहिए इसी वक्त। हमारा तुरंत जैक्सेस पहुंचना बहुत जरूरी है। रुके रुके एक मिनट। देखिए, आप अपने क्षेत्र में सबसे माहिर हैं, इसलिए हम सीधे आपके पास आए हैं। वो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैकेब है, वो भी हमारे साथ चलेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है? हम पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? किस तरह की मुसीबत? चमगादड़, डॉक्टर कैस्पर, चमगादड़। शेरिफ किमसी, डॉक्टर हार्ज, जल्दी आने का शुक्रिया। मैं अपने साथ कुछ लोगों को लाया हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। लगता है आपकी संस्था की काफी पहुँच है डॉक्टर। जी हाँ, हमारी संस्था इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से ले रही है। अच्छा है, कहे काम से तो काम शुरू करें। मैडम, आप डॉक्टर हैं? किस चीज की डॉक्टर हैं आप? जंगली जानवरों की, खास तौर पर किरॉप्टेरा। अच्छा, चमगादड़। शेरिफ, मैं उन पर खोज करती हूँ। चमगादड़? ओ अच्छा, तो आप सिर्फ चमगादड़ों की विशेषज्ञ हैं क्या? नहीं, मैं जंगली जानवरों की विशेषज्ञ हूँ, और खास तौर पर चमगादड़ों की। इतनी उम्र हो गई लेकिन आज तक ऐसा केस नहीं देखा। अब हम इसकी फॉरेंसिक जांच करेंगे डॉक्टर। हाँ। अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जरूर, शौक से। खून तो बरसों से देखता आया हूँ लेकिन इस केस ने मुझे हिला दिया। क्या हाल किया है इसका? शहर के कुछ लोगों का ख्याल है कि ये काम उन नौजवानों का है जो शैतान को मानते हैं और जादू टोना करते हैं। पहले मैं लड़के की जांच कर रहा हूँ। लड़के की गर्दन पर जो घाव हैं वो काफी गहरे हैं। गर्दन से होते हुए उन्होंने जुबान को भी नष्ट कर दिया है। मुझे यकीन है कि चमगादड़ों ने पहला वार गर्दन पर ही किया होगा क्योंकि उनका मकसद था इन्हें मारना। जिमी, तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो बाहर जाकर डॉक्टर के साथ बैठ सकते हो। हाँ, यही ठीक रहेगा। आप लोग अपना काम जारी रखिए। दिमाग तक खून पहुंचाने वाली नसें इस हमले की वजह से अंदर और बाहर से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। शीला, क्या तुम उससे सहमत हो? सिर्फ इस गर्दन के घाव को देखकर जो यहां कान के पास है, मेरा ख्याल है कि यह घाव 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 13 सेंटीमीटर गहरा है। ये तो चौरापुटरी जाति का चमगादड़ है। ये नामुमकिन है। ये चमगादड़ तो सिर्फ फूलों का रस और फल खाते हैं। ये नहीं हो सकता। क्या मतलब? जरूर किसी ने कोई मजाक किया होगा। अफसोस, ये कोई मजाक नहीं, ये एक हकीकत है। आप ये कहना चाहती है कि ये काम किसी चमगादड़ ने किया? कुछ ऐसा ही है शर। ऐसा है तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है क्योंकि इस जाति के चमगादड़ इंसानों को नहीं मारते। जरूर कोई बात है। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे।
शायद चमगादड़ों ने और भी हमले किए हों, लेकिन हमारी नजर में सिर्फ ये 5 केस आए हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से ये इंसानों पर उनका पहला हमला है। उन्होंने सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि बड़ी बेरहमी से मार डाला। सभी हमले एक तरह के थे, सभी पश्चिम टेक्सास में हुए और सभी पिछले 6 दिनों में हुए। नामुमकिन। क्या कहा आपने? चमगादड़ इंसानों पर हमला नहीं करते, बस। इन हादसों की जरूर कोई दूसरी वजह है जिसका चमगादड़ों से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस कैस्पर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हम जिन चमगादड़ों की बात कर रहे हैं वो बहुत ही खास हैं। खास है? किस तरह से? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? मेरी प्रयोगशाला से गायब हुए चमगादड़ों को इंडोनेशिया से लाया गया था प्रयोग के लिए। ये टेरोपस पोलिसेफेलस जाति के थे। रुकिए एक मिनट, आप गादड़ की बात तो नहीं कर रहे हैं? वही चमगादड़ जिनकी शक्ल लोमड़ी जैसी होती है? अरे नहीं। हाँ, पर वो तो दुनिया से लुप्त होते जा रहे हैं और संरक्षित हैं। आप उन्हें देखना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बहुत बदसूरत और बड़े होते हैं। जरा साफ साफ समझाइए, आपकी बातों से लगता है कि आप उन दो बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं डॉक्टर? ये देखिए, जैसे चमगादड़ गायब हुए थे डॉक्टर मैकेब हमसे मदद मांगने आए थे, हमें उन चमगादड़ों को रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी को खत्म करें या दूषित करें। दूषित करें? आप किस तरह का प्रयोग कर रहे थे? वो प्रयोग एक जहरीले जीवाणु पर था, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता, मुझे अफसोस है। तो आपने हमें उन खोए हुए बीमार चमगादड़ों को ढूंढने के लिए बुलाया है? और खत्म करने अगर जरूरत पड़ी तो? वो काम हो जाएगा। मैं उन्हें ढूंढने में मदद करूंगी पर उन्हें खत्म करने में नहीं, और ना ही मैं किसी को उन्हें खत्म करने दूंगी। उसकी फिक्र मत कीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा यकीन कीजिए। वो चमगादड़ 100 मील के दायरे में ही अपना शिकार कर सकते हैं। और हाँ, वो कहीं भी हो सकते हैं, खेतों में, पुल के नीचे या किसी नाली में। हाँ वो तो है, पर हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हम उन्हें ढूंढना शुरू कर सकते हैं? यहाँ से। हमला यहाँ पर हुआ था, शहर और नेशनल पार्क के बीच। अपने घोंसले से निकलकर वो यहीं पर आते होंगे शिकार करने। किमसी बोल रहा हूँ। कड़ा बंदोबस्त कर दो। चारों तरफ कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया। कहाँ पर? ये खबर छपी तो शहर में दहशत फैल जाएगी। ये काम एक या दो चमगादड़ों का नहीं है, पूरे झुंड का है। लगता है उन चमगादड़ों ने बाकी सबको जहरीला बना दिया है। कमांडर, यह डॉक्टर शीला कैस्पर। डॉक्टर कैस्पर, यह मेयर ब्रांसन। एमेट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर? सब बता सकते हो? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार चमगादड़ हैं। चमगादड़? जी हाँ मैडम, हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे पर हम जानते हैं। हम यहाँ जिन चमगादड़ों की बात कर रहे हैं वो बीमार हैं, उन्हें एक तरह का वायरस हुआ है। फिलहाल हम इतना ही जानते हैं पर उम्मीद है कि जल्द ही और जानकारी मिलेगी। पर मैं मरने वालों के परिवार से क्या कहूँ, सब लोगों से क्या कहूँ, यही कि जहरीले चमगादड़ सबकी जान ले रहे हैं। चाहे जो कहिए मैडम, आपको लोगों से इसी वक्त ये कहना होगा कि जब तक ये खतरा ना टले वो अपने घर से बाहर ना निकले। हम इस बात की इत्तला सबको कर देंगे, ठीक है? जी सर। इतना ध्यान रहे मैडम कि इस वजह से लोगों में घबराहट नहीं फैलनी चाहिए। मैडम ये ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके बाद घबराहट दहशत में बदल जाएगी। सर, टीवी और रेडियो द्वारा खबर करें, पेपर में छापो, जो करना है करो, पर किसी तरह ये खबर लोगों तक पहुंचाओ। जी मैं समझ गया। अरे आज रात का फुटबॉल मैच कैंसिल कर दो, वैसे भी हमारी टीम हारने वाली है। जी सर। डॉक्टर हॉज, कोई खबर? हाँ, एक खुशखबरी है। फिलहाल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला है कि उन दो नौजवानों में वो विषैले तत्व नहीं है जो उन चमगादड़ों में थे। उस विषैले तत्व का इंसानी शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब वो चमगादड़ सिर्फ दूसरे चमगादड़ों को दूषित कर सकते हैं? वो विषैला तत्व खास इस तरह से बनाया गया था कि चमगादड़ों के अलावा उसका असर किसी और पर ना हो। ये बताइए डॉक्टर मैकेब, आपने उन चमगादड़ों के साथ किया क्या था? माफ कीजिए, मैं इस सिलसिले में कुछ और नहीं बता सकता। ये क्या बकवास है? वो चमगादड़ मेरे शहर में लोगों की जान ले रहे हैं और अब फिर भी अपना मुंह बंद रखना चाहते हैं? आपको बताना ही होगा कि आपने किया क्या है। हाँ बता दो, क्योंकि मुझे चमगादड़ से बेहद नफरत है।
ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या किया है। बताइए मैं कहाँ तक सही हूँ। आपने उनकी बुद्धि को और तेज बना दिया है। हाँ, और इस काबिल बनाया कि वो मिलकर काम कर सके। हाँ, ये तो बुरी बात नहीं है, इंसान भी ऐसा करे तो कितना अच्छा होगा। उन्हें और उत्तेजित बना दिया, ये बुरी बात है। आखिरकार उन्हें मांसाहारी बना दिया। नहीं डॉक्टर कैस्पर, मैंने उन्हें सर्वभक्षी बना दिया। मेरे चमगादड़ कभी भी और कहीं भी भूखे नहीं रहेंगे। पर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूं, यही हमारा काम है। हम हर चीज को बेहतर बनाते हैं, बेहतर दवाइयां, बेहतर फसल। बेहतर बनाया कुदरत के नियमों को तोड़ने की। To think that you could do better. लेकिन मैं कामयाब रहा डॉक्टर कैस्पर, मैं कामयाब रहा। नहीं, आप हार चुके हैं। आप सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज पसंद नहीं जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो, समझ गए? देखिए, इस वक्त बहस छोड़कर सबसे जरूरी हमें ये देखना है कि ये जहरीला रोग दूसरे इलाके के चमगादड़ों में न फैल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए झुंड के झुंड आएंगे और किसी को भी अपना निशाना बना लेंगे। जरा इसे देखिए, ये मशीन मैंने खास चमगादड़ों को ध्यान में रखकर बनाई है। इससे पता चलता है कि वो अपनी खुराक ढूंढने कहां जाते हैं। इसके अलावा और भी जानकारी है, जैसे कि वो किस मौसम में कहां होते हैं, कहां से खाना जुटाते हैं। ये बिंदु जो आप देख रहे हैं, ये हमारे चमगादड़ हैं। अब जैसे ही यहां का मौसम ठंडा होगा और ठंड उनके बर्दाश्त के बाहर होगी, वो यहां से निकलेंगे, कम ठंड वाली जगह पर जाएंगे जहां खाना मिले। फरवरी तक हमारे चमगादड़ मैक्सिको शहर पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे मुल्कों में भी फैल जाएंगे और वहां जाकर बस जाएंगे। और अगर जहरीले चमगादड़ों ने दूसरों को दूषित किया और वो दूषित चमगादड़ उनके साथ साथ जगह बदलते रहे तो? इन्हें दिखाओ जिमी। 6 महीने के अंदर वो इस सारे शहर में छा जाएंगे, जो किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जाहिर है मैं तब तक ऊपर पहुंच चुका हूंगा। अगर उन्हें रोका न गया तो इस देश के हर इंसान का यही खौफनाक अंजाम होगा। तो अब हम क्या करें? ये जहर दूसरे चमगादड़ों में ना फैले, उसके लिए हमें उनका बसेरा ढूंढना होगा और सभी दूषित चमगादड़ों को खत्म करना होगा। तो तुम्हें लगता है वो इस जाल में फंस जाएंगे? हाँ, ये खास तरह का जाल है। मुझे तो ये मछली पकड़ने वाला जाल लगता है। ये दिखने में नाजुक है लेकिन काफी मजबूत है। वेस्ली, जिमी, सुन रहे हो? जी सर। वहाँ सब कैसे चल रहा है? जिमी और मेरी अच्छी जोड़ी जम गई है सर, हम मिलकर ये अजीब सा जाल लगा रहे हैं। हाँ, इसे मच्छरदानी कहते हैं। जो भी कहते हो सर, पर मुझे तो ये मछली के जाल जैसा लग रहा है। मुझे भी ऐसे लगा। तुम दोनों होशियार रहना, जैसे कुछ दिखाई दे मुझे बताना। हाँ सर, सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। हाँ, मुझे वो जानकारी दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। शेरिफ किमसी को उतनी ही जानकारी देनी है जितनी इस काम के लिए जरूरी है। डॉक्टर शीला को भी सब नहीं बताया। डॉक्टर बकेव हैं, वो यहाँ मेरे साथ हैं। ठीक है, बाकी सब बाहर हैं। शीला बहुत काबिल है, मैं उसकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित हूँ। चांद पर खून के धब्बे। क्या मतलब? मेरी माँ कहा करती थी, जब चांद पर खून के धब्बे हो तो समझो किसी की मौत होने वाली है। शरीफ, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं नहीं डरने वाली। मेरा यह इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, आप बताएंगे इस लॉकेट का क्या मतलब है? इसका? हाँ, चीन में इसे चमगादड़ का चिन्ह माना जाता है। चीन के लोग चमगादड़ों को शुभ मानते हैं, वो खुशखबरी लेकर आते हैं। आपको चमगादड़ों में दिलचस्पी कैसे हो गई? मैं जब छोटी बच्ची थी, हम जहाँ रहते थे उस जगह पर एक गोदाम था, वहाँ चमगादड़ रहते थे। उनके डर से मैं सहम जाती थी, रात को अजीब अजीब सपने आते थे। मेरा डर दूर करने के लिए एक दिन डैडी ने चमगादड़ को अपने हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि चमगादड़ से हमें कितने फायदे हैं, जैसे वो कीड़े मकौड़ों को नष्ट करते हैं, प्रकृति के कामों में मदद करते हैं। फिर उन्होंने वो मेरे हाथ में थमा दिया। उसे छुआ तो वो इतना कोमल लगा कि देखती रह गई। बस तब से मुझे उनमें दिलचस्पी हो गई।
और अब उन्हें मारने के ख्याल से भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। अच्छा तो एक काम करते हैं, आज तुम एक चमगादड़ पकड़ना, फिर मैं उसे तुम्हारे लिए पालूंगा और तुम कहो तो उसे बाहर घुमाने ले जाऊंगा। मर गए, चमगादड़ों का झुंड आ रहा है। बाप रे। चलो जल्दी चलो, भागो यहाँ से, चलो चलो। गाड़ी में चलो, चलो जल्दी जल्दी। वो सारा काम पहले कर चुके हैं सर, मेरा यकीन मानिए। वेस्ली, जिमी, कहाँ हो तुम? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। किम्सी संभालो, ये चमगादड़ गाड़ी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जिमी बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? जिमी, जिमी, ये चमगादड़, मैंने आज तक इतने खूंखार चमगादड़ नहीं देखे, ये गाड़ी में घुस रहे हैं। जल्दी आओ जिमी। गाड़ी की चाबी कहाँ रखी मैंने? हम आ रहे हैं। कार की चाबियां नहीं मिल रही। मर गए, वो एंजन के रास्ते से आने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम डरो नहीं शिला, जरा शांति से काम लो। मैं खुद ही शांत नहीं हूं और उसे शांत रहने को क्या। स्टार्ट हो जा। अंदर आ रहे, अंदर आ रहे। शीला सुन रही हो, जवाब दो। शीला बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। शीला तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो शीला? तुम कुछ तो करो, वैसे उन पर गोली चलाओ। किमसी शीला को लग गई तो हवा में गोली चलाओ ताकि वो चमगादड़ डर कर भाग जाए। मुझे लगता है वो यहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जरा रखो, मुझे घाव देखने दो, सब ठीक हो जाएगा। शीला तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने ऐसे चमगादड़ कभी नहीं देखे, कभी नहीं। ए शीला, हाँ? उन चमगादड़ों का एक साथी यहां रह गया। आप वहां से मत हिलिए, बिल्कुल मत हिलिए। संभल कर शीला। ठीक है, एक दो। कहा था ना शीला इन सब कामों में माहिर है। देखा
कितना घिनौना है, इनसे नफरत है मुझे। इससे शायद थोड़ी सी जलन होगी। शीला, मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया है कि यहाँ रहकर मरने से बेहतर ये है कि हम लोग एंटार्क्टिका की ओर भाग चलें। मैंने पता किया कि उस जगह एक भी चमगादड़ नहीं जाते क्योंकि उन्हें ठंड पसंद नहीं। सुनो वेस्ली, कहिए। तुम मेयर से संपर्क करो और ध्यान रहे कि शहर के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर रहें, ठीक है? हाँ ठीक है। अब खड़े क्यों हो, जाओ जल्दी। हाँ जा रहा हूँ। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। ये क्या? यही है मैकेप के जहरीले चमगादड़। आपके पास बंदूक है? हाँ है। उन चमगादड़ों को अपनी गोली का निशाना बनाइए, पर गोली पंख पर लगनी चाहिए। हाँ, पंख पर लगनी चाहिए। सीधे उसका सर उड़ा दीजिए, देखिए चूकेगा मत। दत्त! हे, आप सब ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं। सही वक्त पर आए हैं। शुक्र है आपने एक को पकड़ लिया। अब मुझे तुरंत इसकी जांच करनी होगी। इसे हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। हाँ? डॉक्टर, दूसरा अभी बाहर है, खुद जाकर पकड़ लीजिए। ठीक है, जब मैं पिंजरे का दरवाजा खोलूं, तुम झट से इसे गर्दन और पंखों से पकड़ लेना। पागल हो गई हो क्या? प्यार से पकड़ना, पर कस कर। कहो तो मैं पकड़ूं। आप तो पकड़ ही लेंगे किमसी। ठीक है, आप तैयार हैं? मैं तीन तक गिनूंगी। एक, दो, तीन। साला क्या ताकत है इसमें? सारा समझ में। सर आप इसे पकड़ेंगे? प्लीज पकड़िए, मुझे घिन आती है। प्लीज, शुक्रिया। अरे नहीं जिमी, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें यकीन है वो ट्रांसमीटर नहीं तोड़ेगा? नहीं, मैंने इसके पंख के नीचे लगाया है, उसे कोई दर्द भी नहीं होगा। तुम कहती हो तो नहीं होगा। अब देखते हैं वो कहाँ जाते हैं। मेरी मानो तुम इनका बसेरा नहीं ढूंढ पाओगे। मैं इनको तुमसे बेहतर जानता हूँ। साफ तस्वीर मिल रही है जिमी? हाँ बिल्कुल साफ। अच्छा है, अभी कुछ ही मिनटों में ये पता चल जाएगा कि इनका ठिकाना कहाँ है। मैं ऐसे घिनौने जानवर को पालतू नहीं बनाऊंगा। हमें निराश मत करना बच्चे। ट्रांसमीटर काम कर रहा है जिमी? एकदम बढ़िया। मुझसे जितना दूर जाए उतना ही अच्छा है। साथियों, हम तो गए काम से। एक और चमगादड़ पकड़ लेते हैं। क्यों डॉक्टर, कोशिश करते हैं? इसमें कई दिन लग जाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पूरा शहर खाली करवा दीजिए फौरन। शहर के तमाम लोगों से कहिए कि यहाँ से 100 मील तक का दायरा खाली कर दें। और हौज, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। हाँ। बहुत सारी मदद। अब शौक से उनकी जांच करते रहो। अधिकारी मंगवाए हैं, कल सुबह तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल हमारी संस्था के लोग गैलप और टेक्सास शहर खाली करवा रहे हैं। अच्छा किया हॉज। शहर से लोगों को हटाने का तुम्हारा ख्याल अच्छा था डॉक्टर, क्योंकि मेरी इस मशीन से पता चल रहा है कि इस वक्त आसपास के इलाकों के चमगादड़ सीधे शहर की ओर जा रहे हैं। अभी भी हमारे पास बचने का वक्त है।
मैंने थोड़ी सी टोमेटो सॉस मिलेगी। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब लोग बाहर क्या कर रहे हैं? इन्हें तो अंदर रहने के लिए कहा गया था। हाँ, मेरे ख्याल से तो कहा गया था। शरीफ, अच्छा हुआ तुम आ गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेयर? ये सब लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं? हमने यहाँ के लोगों को हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। टेक्सास के लोग कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। अरे बाप रे, अब क्या हुआ? वो आ रहे हैं, उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। वो आ गए। दस साला। कहीं काम से। अब क्या होगा? बचाओ सब लोग! सब लोग रास्ता खाली कर दो! अंदर जाइए! बचाओ! अंदर जाइए! अंदर जाइए! जल्दी कीजिए! सब लोग अंदर जाइए! जाइए! अंदर जाइए! अंदर जाइए! जल्दी! जाइए! अंदर जाइए! आप लोग! जाइए! जाइए! जल्दी! अरे बाप रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए, किसी के अंदर चलिए, चलिए अंदर, दरवाजा बंद करो। अरे क्या हुआ? निकल जाओ यहां से, भाग जाओ। ओ तेरे तो। अमांडा अंदर आओ जल्दी। मर गए सही। जल्दी करो अमांडा। बाप रे, ओ बन गया। अगर देखो देखो मेरे नजदीक मत आना, अब वरना मैं गोली चला दूंगा। देखो मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, समझे? दूर रहो, पास आने की कोशिश मत करो। अब देखो
तुम ठीक तो हो? तुम दोनों ठीक तो हो ना? उसने मुझे बचाया, उसने मेरी मेरी जान बचाई। माय गॉड, वो देखो। वेस्ली, साथ छोड़ गए वेस्ली। देखो, बाकी सब लोग मेरे साथ आओ, क्विक, चलो, जल्दी जल्दी, जल्दी करो।
जी सर, ठीक है, हमसे जो होगा वो करेंगे। सेना शहर खाली करवा रही है, एयरपोर्ट बंद हो गया, शहर की नाकाबंदी करवा दी है और यहाँ के लोगों को जैको और रोसडा भेजा जा रहा है। कितनी तबाही, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी तक कुछ भी तय नहीं कर पाया। जंग के बाद पीना टेक्सास की पुरानी परंपरा है। जब शहर खाली हो जाए तो सबको जाना पड़ता है ना? हाँ, अब यहां ना कोई आएगा ना जाएगा। एक बात पूछूं, तो हम क्यों यहां अब तक रुके हुए हैं? देखो जिमी, हमने यहां रुकने की इजाजत मांगी है। क्या कहा? हम इन चमगादड़ों को खत्म करने में मदद करेंगे। आप लोग समझने की क्यों कोशिश नहीं कर रहे कि हम लोग किन खतरों में फंसे हैं? उन्होंने हमें सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया है। एक मिनट रुकिए, आप लोग हर बात मुझे आखिर में क्यों बताते हैं? 48 घंटे के बाद सेना और वायुसेना वाले आधुनिक हथियारों से इस पूरे शहर को उड़ा देंगे। वो इस शहर के 100 मील के दायरे में आने वाली हर गुफा और हर जगह उड़ा देंगे जहां चमगादड़ छुप सकते हैं। ये क्या पागलपन है? जानते हो वो क्या करेंगे? वो इस शहर की हर चीज तबाह कर देंगे, पर एक भी चमगादड़ नहीं मार पाएंगे। ठीक कहा तुमने, पर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने हमें और थोड़ा वक्त दिया है, लेकिन अब ये जंग हमें अकेले ही लड़नी होगी। यह आखिरी कोशिश किए बगैर मैं उन लोगों को अपने शहर को तबाह नहीं करने दूंगा। लोगों के अपने घर है, यहाँ उनकी पूरी जिंदगी शहर से जुड़ी हुई है और ये मेरा फर्ज है कि मैं उनकी चीजों की हिफाजत करूँ। सच तो ये है कि हम यहाँ रहे न रहे, लोग हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहेंगे। तो क्या ये भी हमारे साथ यहाँ रुकने वाला है? उन्हें मैंने बनाया था, इससे मुझे अपने काम पर गौर करने का मौका मिलेगा और मुझे अपनी गलती का पता चल जाएगा। जिमी, तुम यहाँ रुक जाते तो बड़ी मदद होती, पर अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। एक बात अच्छी तरह से जान लो, अगर तुम्हारे किसी चमगादड़ ने मेरी तरफ देखा, या उसने यूं सर घुमाना शुरू किया, या उसकी आंखें यूं घूमनी शुरू हुई और मुझे थोड़ी सी भी आंच आई, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब तुम रुकोगे? हाँ, रुकूंगा। एक मशीन है, क्रोम B340 है, जासूसी उपग्रह में नई चीज है। जब उपग्रह टेक्सास से गुजरेगा तो उपग्रह के खास कैमरे हमारे शहर के 50 मील के दायरे की तस्वीरें लेंगे, जिससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। जब चमगादड़ अपने बसेरे से बाहर निकलेंगे तो तुम्हें उनसे निपटना पड़ेगा। सेना ने साफ इनकार कर दिया है कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे, तो ज्यादातर काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। तुम कर पाओगी? कोशिश करूंगी। यह हमारा स्कूल है, ये मत सोचना कि छोटे शहर का स्कूल बेकार होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ जरूरत की सभी चीजें मिल जाएंगी। देखते हैं। ठीक है जिमी, तुम यहाँ मशीनें रख लो। इस विज्ञान वाले कमरे में कंप्यूटर का संपर्क भी है, हो सके तो हेडक्वार्टर से संपर्क करो। अंधेरा होने से पहले बिल्डिंग को सुरक्षित कर ले। हाँ ठीक है। ये लगभग 100 साल पुराना ओपेरा संगीत है। जब भी इसे सुनता हूँ लगता है आज भी इससे बेहतर और कोई नहीं। ओ, तो आप ओपेरा सुनते हैं? कमाल है। किसी को मेरे शौक के बारे में मत बताना, वरना यहाँ के लोग ये जानने के बाद मुझसे नफरत करने लगेंगे। घबराइए नहीं, किसी से नहीं कहूंगी।
तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। चलो तुम जाओ यहां से। अब हमने अपने आप को पिंजरे में बंद कर लिया। हाँ, फिर भी हम सुरक्षित नहीं है जिमी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हम लोग यहां चारों लहसुन की माला टांग दे तो कैसा रहेगा? हाँ मैंने सेना से संपर्क जोड़ लिया है, जैसे जैसे उन्हें खबर मिलती रहेगी वो हमें देते रहेंगे, उससे फायदा होगा। चमगादड़ों को पता चल गया तो क्या करेंगे? ये मानकर चलो कि वो सब एक ही ठिकाने पर हैं। उनके झुंड में निकलने की आदत से जाहिर है वो एक साथ होंगे। उनको जहर दे दे। देखो चमगादड़ों को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही किस्म का जहर बाजार में मिलता है, जिससे इंसान तो मर जाएंगे लेकिन वो साले कभी नहीं मरेंगे। मेरा यकीन करो, मैं ये कोशिश पहले भी कई बार कर चुका हूं। क्यों ना हम उन्हें जाल में फंसा लें? नहीं, कुछ ऐसा सोचो जिससे सभी हमारे शिकंजे में आ जाएं। तो क्यों ना उन्हें सीधे बम से उड़ा दें? नहीं नहीं नहीं, धमाके से सभी चमगादड़ बिखर जाएंगे और ना जाने उनका बसेरा कहाँ है कैसा है, ऐसे में हम सबको नहीं मार पाएंगे। लगता है जैसे कोई भयानक सपना है, अब मैं कभी भी सो नहीं पाऊंगा। रुको एक मिनट, एक तरीका है। क्या? हम उन्हें सुला देंगे। जब तापमान शून्य से 40 डिग्री तक कम हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, 35 डिग्री पर तो वो ठंड से मर जाएंगे। वो तो ठीक है, पर हम करेंगे कैसे? हाँ, खासकर इन गर्मी के दिनों में। हम ठंडा करने वाली मशीनों से उनके बसेरे को ठंडा कर देंगे। ख्याल अच्छा है। जिमी सेना से संपर्क करो, देखो मशीनें कब दे सकते हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ। शीला। हाँ? ऐसा लगता है जैसे उन खतरनाक चमगादड़ों को मारने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवाने पर तुली हुई हो। डरने की बात नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, वैसे भी हम दिन में वहां जाएंगे। हाँ, शीला, पर वो तुम आम चमगादड़ों की बात कर रही हो। लेकिन मैं जानती हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। समझ गया। ठीक है दोस्तों, हमारी ओर से पूरी तैयारी हो गई है। सेना के पास एक मशीन है जिसे NGIC कहते हैं। उनके हिसाब से यह मशीन काफी आधुनिक और बेहतरीन है। इसके आगे बड़े बड़े एयर कंडीशनर और फ्रिज मत खा जाएं। यह कायरो जैसे गर्म शहर में भी ठंड पैदा करता है। बहुत अच्छे। एक बार हमें चमगादड़ों के रहने की जगह मिल जाए तो सेना के लोग ये मशीन उनके ठिकाने के बाहर छोड़ देंगे, पर वो बसेरे के अंदर नहीं जाएंगे। इस वक्त सेना बमबारी की तैयारी कर रही है। वहां जाने के लिए हमें खास चीजों की जरूरत है। क्या हम बसेरे के अंदर जाएंगे? हम लोग? घबराओ नहीं जिमी, तुम हमेशा की तरह बाहर रहकर हमारा मार्गदर्शन करोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर कभी चलूंगा। हम सामान उतारने के लिए तैयार हैं। उतारो।
और दम लगाइए। क्या जमाना है आजकल, लड़कियां लड़कों से ज्यादा ताकतवर हो गई है। मैंने सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच मंगवाए हैं तुम्हारे लिए, ये इतने मजबूत हैं कि गोली भी आर पार नहीं होगी। बात अच्छी है। ये खास सांस लेने वाला हेलमेट हमें अमोनिया गैस से बचाएगा। जिस बसेरे में हजारों चमगादड़ होंगे वहाँ उनके मल से निकलने वाला अमोनिया बहुत घातक होता है। ये मल क्या है? चमगादड़ की गंदगी। ओह हाँ सही है, तो हम चमगादड़ के मल के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट जरा सोचिए, क्या आप उनकी मल की बदबू में दम तोड़ना चाहते हैं? लो हो गया आखिरी पन्ना। ये तो चमगादड़ लग रहे हैं। शीला जरा से एक नजर देखना तो। अरे हाँ ये सब तो वही हैं, ये वही दूषित चमगादड़ हैं। पर ये इस इलाके में कैसे हो सकते हैं? अच्छा देखो, ये सारा पहाड़ी इलाका है जो नेशनल पार्क के उत्तर में है। नहीं नहीं, वो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ कोई गुफा नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकते। देखो वो चमगादड़ गुफा में है ही नहीं, वो एक खान में है। अब वो खान ठीक यहाँ है, उसे हाल ही में बंद किया था। वो किसी नक्शे में नहीं है, पर इतना जान लो कि वो बहुत बड़ी है और उसका नाम है ब्लैक रॉक माइंस। ब्लैक रॉक माइंस, क्या आपको यकीन है? हमें पूरा यकीन है मेजर, शक की कोई गुंजाइश नहीं। देखो हम वहां सुबह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सर चमगादड़ों का पता चल गया है, हम 6 बजे तक उस जगह पहुंच जाएंगे। नहीं तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्या पता उस वक्त वो कहां होंगे। हम वहां पहुंचे और वो शिकार की तलाश में बाहर हो तो? सर चमगादड़ रात में खतरनाक साबित होंगे, इसलिए हम सुबह तक इंतजार करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कितने खतरनाक है मेजर, हमारी सरकार इस प्रोजेक्ट पर पिछले 10 सालों से काम कर रही है। मैं केव आधुनिक हथियार बनाने का काम करता था। हाँ मेजर, वो हमारा आदमी है, हमने शुरुआत की और हम ही अंत करेंगे। बड़ी मुश्किल से पुराने नक्शे मिले हैं, मेरे ख्याल से चमगादड़ को यही होना चाहिए। नहीं नहीं, वो इससे भी अंदर है, वो इतनी आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं। यह जगह इंसानों की बनाई हुई है, इसलिए वहां जाने में आसानी होगी। अगर सुरंग के अंदरूनी हिस्से ढह गए होंगे तो अंदर जाने में दिक्कत होगी। कोई दूसरा रास्ता है? जहां तक मैं जानता हूं, जिस रास्ते से चमगादड़ अंदर गए हैं वहां जाने का सिर्फ वही एक रास्ता है। अगर ऐसा है तो हम उन चमगादड़ों को आसानी से मार सकते हैं। नहीं मार सकोगे, उन्हें पता चल जाएगा, वो तुम्हारा इरादा भी समझ जाएंगे, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्हें हमेशा पता होता है, ऐसा ही बनाया है उन्हें मैंने, एक बेहतरीन मारने वाली मशीन। क्या कहा? तुम निहायत ही कमीने हो। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। कैसे? वो हमें कैसे ढूंढ? क्योंकि मैंने उन्हें यहां बुलाया है, और अब यह किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई नष्ट कर रहे हैं।
को चमगादड़ तुम्हारी प्रयोगशाला से गायब नहीं हुए थे ना मैके, तुमने उन्हें आजाद किया। बहुत समझदार हो शीला। क्यों किया ऐसा? तुम जानते हो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। क्या तुम जानते हो कितने लोग मारे गए हैं? हाँ, तुम्हें कोई अंदाजा है इसका? उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता है। अगर उन्हें मेरी तरह समझने की कोशिश करोगे तो उन्हें काबू कर लोगे। तुम काबू करो, रोको उन्हें। क्यों? जाओ, रोको उन्हें। पर मैं ऐसा क्यों करूं? वो अंदर आ रहे हैं। संभालो किसी। खिड़कियों से दूर रहो, मैं जनरेटर चालू करता हूँ। वो अंदर आ रहे हैं, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। मैं तुम सालों को छोड़ूंगा नहीं। अब भी खाता हूं। गए काम से सारे। हटाओ, हटाओ यहां से सीला, हटाओ, खिड़की से दूर हो जाओ। निकलो यहां से। आओ, 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 तुम्हारी तंदूरी बना दो। आओ करके रात को रख डालो। इस वक्त तुमने गलत आदमी से पकड़ लिया है। मरो, मरो सालो। चालू हो जा। शुरू हो जा। मैकेब, जल्दी वापस आ जाओ। डॉक्टर जल्दी से अंदर आ जाइए, वो आपको मार डालेंगे। तुम नहीं समझोगे, वो मुझे चाहते हैं, वो मुझे लेने आए हैं।
क्योंकि मैं उन्हें काबू कर सकता हूं। मैंने उन्हें ऐसा बनाया है। आओ मेरे पास। वो जा रहे हैं। Because they got what they came for. अरे बाप रे, ये क्या हो गया? सेना ने रात में गुफा के अंदर जाने की कोशिश की। देखा क्या हाल कर दिया उन खतरनाक चमगादड़ों ने। वो अंदर है। क्या अंदर है? वो ठंडक वाली मशीन काफी बड़ी है। लगता है वो इस जगह को बम से उड़ाने की तैयारी में थे, खान बंद करने के लिए। शायद ये था उनका प्लान। हेलो हेलो, क्या आप हमारी बात सुन सकते हैं? जवाब दीजिए, हमें वहाँ की स्थिति बताइए, जल्दी करिए। हेलो हेलो हेलो, मेजर रीड, मैं शेरिफ किम्सी बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर शीला कैस्पर के साथ ब्लैक रॉक माइंस पर हूँ। मैं मेजर रीड बोल रहा हूँ। शेरिफ, इस वक्त हमारा एक विमान दल वहाँ आ रहा है और हमने उनको आदेश दिया हुआ है कि एक घंटे बाद वो उस खान को बम से उड़ा दे। मेरी बात समझ गए आप? सब लोग वापस आ जाइए तुरंत। वो ऐसा नहीं कर सकते, चमगादड़ बम के धमाके से बिखर जाएंगे और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेजर, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, पर आपकी ठंडक वाली मशीन नीचे खान के अंदर है। जानता हूँ, हमारे आदमी उस मशीन को चालू करने से पहले ही खत्म हो गए, हम नाकाम रहे। क्या? उसे चालू करने के लिए हमें अंदर जाना होगा। मेजर, अगर आप हमें वक्त दे तो हम अंदर जाकर वो मशीन चालू कर सकते हैं। नहीं, मैं ये हवाई हमला नहीं रोकूंगा, समझ गए आप? इसी वक्त वहाँ से लौट आइए, ये मेरा हुक्म है। मेजर प्लीज, मेरी बात सुनिए, हम खान के सामने खड़े हैं, हम मशीन चालू कर सकते हैं, आप हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं फैसला कर चुका हूँ, आप वापस आ जाइए। हमारे पास सिर्फ एक घंटा है, एक घंटे में हम नीचे जाकर मशीन चालू करके खान बंद कर देंगे। शीला, जरा वहां देखो तो। बहुत अच्छे, सिर्फ हुक्म करना, जो कहोगी मैं करता जाऊंगा। अगर कोई मुश्किल आ जाए तुम जानते हो ना क्या करना है। क्या बात कर रही हो, तुम दोनों सही सलामत वापस आओगे।
देखो, हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि खान को उड़ाने से क्या नुकसान होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अंदर का रास्ता उड़ा देना। यकीन करो शीला, उसकी नौबत नहीं आएगी। पर नौबत आई तो? देखो, मुझ पर भरोसा रखो। वो कहावत सुनी है जिमी, जो जमीन से ऊपर गुजरे वही दिन अच्छा है। एक बात कहूँ, एक बार ये झंझट खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं किसी ऐसी जगह छुट्टियां मनाऊंगा जहाँ दूर दूर तक चमगादड़ ना हो। फिक्र मत करो जिमी, हम मिलकर जश्न मनाएंगे। यहाँ तो दो सुरंगें हैं, नक्शे पर तो एक ही बनी हुई थी। कमाल है। किसी एक को चुन लो। दाईं ओर चलते हैं। वो हड्डियां देख रही हो? किसी जानवर की हड्डियां है, पर खान में जानवर नहीं रहते। हो सकता है चमगादड़ अपने खाने के लिए उन्हें यहाँ घसीट कर लाए होंगे। बहुत अच्छे शरीफ, आप भी विशेषज्ञ की तरह सोचने लगे। हाँ। ये पानी कैसा है? ये चमगादड़ का मल है। इसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े हैं जो इस पर जीते हैं। क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं चमगादड़ की गंदगी में धंसा हुआ हूँ? अफसोस, ये सच है शरीफ। गंदे, तुम्हें घिन नहीं हो रही है? पिछले कुछ दिनों से जो कुछ देखा है उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं। कभी सोचा नहीं था ऐसे बुरे हालात से गुजरना पड़ेगा। रुको एक मिनट, अगर यहां पर इतनी गंदगी है तो फिर आगे क्या होगा? ओफो। चमगादड़ों के बसेरे में आपका स्वागत है। अरे बाप रे, अगर अपनी आंखों से ना देखती तो कभी ना यकीन करती। यहां तो हजारों चमगादड़ होंगे। चुपचाप अपना काम कीजिए। आप लोगों को नीचे जाने में 15 मिनट लगे और आपके पास 30 मिनट का वक्त है, जिसमें आपको वो मशीन चालू करके वापस ऊपर आना है। वहां का तापमान क्या है? 52। जितना सोचा था उससे बेहतर है।
कोई बता सकता है इस मशीन को कैसे चालू किया जा सकता है? मुझसे कुछ मत पूछना। उम्मीद है इसमें गैस डाली होगी ताकि ये काम करे। वाह क्या बात है। ठीक है चलो चलो जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। समझ में नहीं आता इसे किस तरह चालू करो। लगता है इसे चालू करने की कोई खास चाबी है। हद हो गई यार। कहाँ ढूंढो। एक चाबी मिल गई। उम्मीद है सही होगी। जिमी जिमी मशीन चालू हो गई। हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रही है। वाह हम लोग कामयाब हो गए। अब जल्दी से ऊपर आ जाओ, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। लक्ष्य करीब पहुंच रहे हैं, आपके आदेश का इंतजार है। मर गए। मेरे ख्याल से हमें चलते रहना चाहिए। गया? नहीं, वो अपने शिकार को घेर रहे हैं। जिमी अगर हम लौट ना पाए तो तुम्हें याद है ना क्या करना है? अंदर आने वाले रास्ते को उड़ा देना। हाँ याद है। जिमी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास अभी 7 मिनट बचा शीला, जल्दी करो। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शीला बचाओ 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 संसाधन को। शीला बचाओ। बचाओ Shiloh!
निकल सकती हो शीला, जल्दी करो। चलो देखो, इस मामले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं हो तो आकर देख लीजिए। आपका फोन सर, वहाँ के हालात बताओ। ये लीजिए सर। ठीक है, हमने उपग्रह द्वारा सब कुछ देख लिया, अब जल्दी से लौट आओ। अरे पहले तुरंत वापस आ जाओ। जी सर। शीला तुम ठीक हो? हाँ, और तुम? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। देखा, हम लोग कामयाब हो गए। मैंने कहा था ना शीला, कुछ देर पकड़े हो। अंदर का तापमान तेजी से गिर रहा है। प्यारे चमगादड़ सो गए होंगे, हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद सो गए होंगे। अगर खान का कोई और रास्ता नहीं है तो? नहीं, खान में आने जाने का यही एक रास्ता था। कमाल कर दिया शीला। जिमी रुको रुको, बदबू आ रही है। कुछ भी कहता है, ये कोई बदबू नहीं आ रही है। चमगादड़ के मल की बदबू आ रही है। अरे हमसे तो आज ही बदबू आ रही है, तुमसे हमेशा आती है, उसका क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो। चलो शीला, यही रहने का इरादा है क्या? Thank you.
This movie is encoded by Dr. Star.